हिंदी साहित्यकार के जीवनी के आज के इस अंक में हम रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के आगोना स्थान में हुआ था। इनका निधन 2 फरवरी 1941 को काशी में हो गया। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने 1898 में एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्जापुर से उर्दू और अंग्रेजी की पढ़ाई की। 1901 में ये लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर से अपनी स्कूली शिक्षा को पूर्ण किए। कायस्थ पाठशाला प्रयाग में इन्होंने इंटर में नामांकन लिया, पर यहाँ इनकी पढ़ाई अधूरी रही। फिर इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा अपने विद्या को हासिल किया। आइए इनके कार्य क्षेत्र के बारे में एक नज़र डालें। सन 1904 में लंदन स्कूल में इन्होंने ड्राइंग टीचर के रूप में कार्य किया और 1908 में काशी नगरी प्रचारणी सभा की परियोजना हिंदी सबसागर में इन्होंने सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। 1921 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे और 1937 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किए। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं, मधु स्रोत कविता संग्रह है, गोस्वामी तुलसीदास, जैसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संग्रह की हुई इनकी रचनाएं हैं, त्रिवेणी कृष्णानंद जी द्वारा संग्रह की हुई इनकी कृति है जो एक पाठ आलोचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, श्री राधा कृष्णदास की जीवनी चिंतामणि भाग 1-2 जिसे विश्वनाथ मिश्र ने संग्रहित किया है, भाग 3 जिसका कि डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा संग्रहण किया गया है, ये सारे निबंध हैं। विश्व प्रपंच इनकी लंबी भूमिका के रूप में स्थित एक रचना है। इसके साथ ही इनकी प्रमुख कृतियों में कल्पना का आनंद, शशांक, बुद्ध चरित, ये सारे अनुवादित इनकी रचनाएं हैं। अन्य कई अनुवाद, लेख, टिप्पणियाँ, विविध विषयक निबंध, प्रबंध पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने प्रकाशित किया है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदी साहित्यकार की जीवनी के आज के संदर्भ में बस इतना ही। धन्यवाद।